हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट डोसा रेसिपी बनाएंगे। जो डोसे का बैटर है वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे और मैं यहाँ आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे जो हमारा डोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो डोसा है वो कितना टेस्टी बना है और ये कितना क्रिस्पी बना है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसी के साथ हम बहुत ही टेस्टी मसाला उत्तपम भी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस है और इजीली बन भी जाता है। और मैं इसके साथ यहाँ पर एक पीनट की चटनी बताऊँगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है और उसी के साथ हम 2 कप राइस लेंगे। हमने बहुत ही नॉर्मल वाले राइस यूज़ करे हैं, आपके घर में जो भी राइस है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाँ बासमती राइस का इसमें इस्तेमाल ना करिएगा। जो हम रेगुलर राइस खाते हैं ना, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून अरहर की दाल ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून मेथी। अब इन सभी को अच्छे से हम वॉश करेंगे और फिर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो 4 से 5 घंटे तक हमने अपने दालों को और चावल को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है बहुत ही परफेक्ट बना है और फिर मैंने इसको यहाँ पर 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना थिक है और ये परफेक्टली फर्मेंटेड भी है और ये बहुत स्मूथ पीस के तैयार करा है मैंने इसको यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पीनट लिया, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है, तब इसके हम छिलके को निकाल देते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर साफ कपड़ा लिया है और उसके ऊपर हम ऐसे मूंगफली को डाल देते हैं और फिर थोड़ी गरम, हल्की गरम मूंगफली को ही हम ऐसे कपड़े से ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके छिलके निकल जाएंगे। इसे हम बहुत इजी तरीके से मूंगफली को पील कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली को भिगा के रख सकते हैं और फिर उसको पील कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मुझे को ईजी लगता है तो मैं इसी मेथड को फॉलो करती हूँ। तो पीनट की चटनी बनाने के लिए हमने जो पीनट ड्राई रोस्ट करके रखी थी और उसके हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छिलके निकाल लिए, आप देख सकते हैं। इसको हम मिक्सर जार के अंदर डालते हैं और उसी के साथ मैं थोड़ी इसके अंदर इमली डाल रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कलियां लहसुन की और मैंने यहाँ पर कुछ लाल मिर्ची भिगो के रखी थी वो इसके अंदर डालूंगी, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1/2 टेबल स्पून जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और उसी के साथ मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा चटनी है उसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसको हम ढक्कन लगाकर एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनकर रेडी हो गई है। तभी हम फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। ऑयल हमारा गरम हो जाए तब उसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून उड़द की दाल डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे और इसके बाद हम करी पत्ता डालेंगे। हमारी चटनी यहाँ पर रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो आलू की भाजी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया और उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और अब इस ऑयल के अंदर हम 1/2 टेबल स्पून चना दाल और 1/2 टेबल स्पून उड़द की दाल ऐड करेंगे। इसको हम 40 से 50 सेकेंड तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ। जो हमारे मस्टर्ड सीड थे वो चटक जाए तो उसके बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और 2 मीडियम साइज के कटिंग करे हुए प्याज।
अब इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालूंगी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला जो जले नहीं उसके लिए मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी। तो अब मैं यहाँ पर बॉईल करे हुए पटेटो ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी और उसी के साथ हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर तवे को पहले बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे पानी के छींटे मारेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको ऐसे पूरे तवे पे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अभी जो हमारा डोसे का तवा है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो इस टाइम पे हम इसके ऊपर डोसे का बैटर डालते हैं। और अब हम इसको मीडियम हॉट तवे पर और गैस की फ्लेम को लो करते हुए इसको अच्छी तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखें कि जब भी डोसे का बैटर स्प्रेड करें तो गैस की फ्लेम एकदम लो हो और अब इस टाइम हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर बटर डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसके मिड में मसाला डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डोसा है वो कहीं से भी फटा नहीं है, इसका मतलब हमने जिस मेजरमेंट के साथ डोसे का बैटर बनाया वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही टेस्टी सा डोसा भी बनाकर रख लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर मसाला उत्तपम भी बनाते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ और जो आलू का मसाला है वो इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पोड़ी मसाला है तो वो भी इस पे स्प्रिंकल करिए, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा हरा भरा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रही हूँ और यहाँ पर फाइनली चॉप करे हुए प्याज, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब इन सभी को हम अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर नीचे से क्रिस्पी होने तक इसको कुक करेंगे। तो ये हमारा जो उत्तपम है वो एक साइड से सिक चुका है, तो हम इसको दूसरी साइड से भी पलट कर सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तपम भी रेडी है। जितना क्रिस्पी हमारा डोसा था उतना ही टेस्टी भी हमारा उत्तपम बना है। मसाला उत्तपम खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आपने देखा कि हमारा जो डोसा है वो बहुत परफेक्ट बना है और जो मसाला उत्तपम है वो भी बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से इजी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।